अगले कॉलर हैं गंगानगर से दिलबाग जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। नमस्कार सर। सर मेरे पैरों में दर्द है, पैर सुन्न है। कब से है दिक्कत परेशानी? ये है लगभग 20 साल हो गया। आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र है 39। देखिए हेलो। जी, और कोई सवाल? और मेरे हाथों में, पैरों में और टांगों में करलने पड़ती हैं। ठीक है, मैं समझ या गया। में करल बोलते हैं, वैसे नाड़ पर ना जो चढ़ती है वो खूब ही है, ज्यादा है। अच्छा देखिए, हमारे जिस्म में दो जगह ज़्यादातर नसें दब जाती हैं। एक तो हमारी कूल्हे से ऊपर, हिप से ऊपर, डिस में, कमर में जो नसें टांगों की तरफ जा रही हैं तो कमर में दब जाती हैं, जिससे तीन तरह के नुकसानात होते हैं, तीन या चार तरह के नुकसान। पैरों में का सुन्न होना, इसमें आम बात है। पैरों में दर्द होना या खिंचाव होना आम बात है, और पैरों में जलन होना ये बहुत कम लोगों को होता है। तो आपके कमर की नसें दबी हुई हैं, और जहाँ जहाँ भी नसें दबती हैं उनमें एक जगह यहाँ हमारी गर्दन के पीछे की डिस में नसें दबती हैं, जिससे हमारे हाथों में भी सुन्नपन आता है या खिंचाव आता है या दर्द आता है, या कोहनी में दर्द आता है, मोढ़े में दर्द आता है। तो बड़े उम्र के लोगों को ये ज़्यादा परेशानी होती है। तो इसके लिए एक गोंद, जिसका मैं अक्सर जिक्र करता हूँ, असली खरीदिए, नकली बहुत मिलता है। गोंद स्याह, स्याह कहते हैं काले को, गोंद स्याह आप खरीद लीजिए, और आधा ग्राम, बस आधा ग्राम मतलब दो चुटकी सुबह नाश्ते के बाद और आधा ग्राम रात को खाने के बाद, दूध या पानी से ले लिया करिए, आपकी समस्या का हल होना मुमकिन है। जी हकीम साहब, आप गौंद स्याह हमेशा बताते हैं, लेकिन हमने जैसे कि कई दर्शकों से बात की इंटरव्यू के ज़रिए, तो उनका ये भी कहना होता है कि कई बार हमें फुर्सत नहीं मिल पाती है, तो क्या हम यूनानी में कोई दवाइयाँ हैं ऐसी जिनका इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी मैं आपसे जानना चाहूँ, क्योंकि जो आप कहते हैं लोग वही आजमाना पसंद करते हैं। एक्चुअली मेरा कंपनी है जो इसी इसी से दवाइयाँ बनाती है, और जो लोग दवाइयाँ लेना चाहें, कितने लोगों को दवाइयों की भी ज़रूरत पड़ती है, लेकिन मेरा क्योंकि मेयार, मेरा स्टैंडर्ड ये है कि मैं टेलीविज़न पर आकर लोगों को घरेलू नुस्खे बताता हूँ। और ना हमारी भी दवा की कंपनी है, आप इस पर डॉक्टर बैठे रहते हैं, आप हेल्पलाइन नंबर पर कभी भी बात करें, डॉक्टर बैठे रहते हैं, वो आपको पूरी तरह मशवरा देंगे। मेल या फीमेल डॉक्टर से किसी से भी आप बात कर सकते हैं, अपनी गुप्त बातें भी, जो महिलाएं नहीं चाहती किसी मेल डॉक्टर से बात करें, तो वो फीमेल डॉक्टर से भी बात कर सकते हैं। जी, तो दर्शकों देखिए, जो आपको यूनानी दवाइयाँ बताई जाती हैं तो वो आपको सही सजेस्ट की जाती हैं, क्योंकि देखिए कई बार आप लोग गौंद स्याह भी मंगा लेते हैं, लेकिन आप लोग का कहना होता है कि हमारे पास अगर वक्त नहीं है तो यूनानी मेडिसिन कौन सी है, तो वो आप जान सकते हैं, हमारे जो एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं जो हेल्पलाइन नंबर पर मौजूद हैं, आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कभी भी। 24 आवर्स आप लोगों के लिए अवेलेबल है हेल्पलाइन नंबर, आप जब चाहें उस पर बात कर सकते हैं। अगले कॉलर हैं दिल्ली से जानकी नंदन जी, स्वागत है आपका। जी नमस्कार। नमस्कार मैम। हकीम साहब नमस्कार। जय हिंद जानकी जी। जी मैं ये कह रही हूँ, मैं गोंसिया पहले मंगाया था 2 बार, और तीसरा डब्बा और मंगाया। एक तो मेरे को नींद में पहले वो जैतून का नम वो मंगाया था छिड़का, उससे मेरा गला पक गया, फिर वो तो मैंने बंद कर दिया, एक ही शीशी बोतल ली है मैंने। उसके बाद में गोंसिया ले रही हूँ, लेकिन मेरे को रात को बेचैनी रहती है, मेरे को नींद नहीं आती। अब कैप्सूल भेजे थे आपने, पहले एलोवेरा के थे एक, फिर दो डब्बे और भेजे थे, उनसे भी मेरे को, अब एक गोंसिया ले रही हूँ, मेरे को महीने से ज्यादा हो गया।
लेकिन मेरे को नींद में प्रॉब्लम है, नींद नहीं आती, बेचैनी हो जाती है। तो सिरका तो आप ना लें, आपको सिरका नहीं चलेगा। अच्छा किया आपने बंद कर दिया। और इससे गौनसिया से अगर आपको फ़ायदा है दर्द में, तो धीरे धीरे, क्योंकि ये दर्द ही ऐसा होता है कि सोने नहीं देता, तो आप ये गौनसिया जारी रखें। धीरे धीरे इतनी तकलीफ कम हो जानी चाहिए कि आपको आसानी से नींद आ जाए। तो जानकी जी, पूरी बात आपसे नहीं हो पाई है, अगर आप अच्छे से हमें बता देती कि आपको आराम कितना पड़ा गौनसिया के इस्तेमाल से, तो और बेहतर तरीके से हकीम साहब आपको बता पाते। कोई बात नहीं, आप इस्तेमाल कीजिए गौनसिया का। बाकी हकीम साहब ने जो बात बताई है उसको भी ध्यान में रखिएगा। अगले कॉलर हैं वीरेंद्र जी, स्वागत है आपका। हाँ नमस्कार मैडम। नमस्कार, जय हिंद सर। जय हिंद, स्वागत आपका वीरेंद्र जी। हाँ सर, मैंने जो है ना आपके तो ये मंगा था सर, नमक जैतून। मैं किडनी पेशेंट हूँ, तो हेलो। हाँ सर, सुन रहे हो? आपने नमक जैतून मंगाया? हाँ, तो मेरे किडनी में कम नहीं हो पा रहा है, मुझे लगभग एक साल से ज्यादा हो गया, तो चक्कर आते थे, उसके लिए मैं वो एक्सरसाइज कर रहा हूँ जो बताते हैं आप, और भी कौन सी अभी चक्कर नहीं मेरे कम हो रहे, दर्द वगैरह तो कम हो गया। मैंने और दूसरे लोगों को दिया मंगा करके, उनका तो बहुत आराम हो रहा है, मुझे नहीं हो पा रहा। चक्कर कम हो गए, दर्द में कम राहत है, और लोगों को लेकिन आराम मिल रहा है। दूसरे लोगों को आराम हो रहा है, मुझे नहीं, मेरा भी कम नहीं हो पा रहा है और चक्कर नहीं हट रहे। ठीक है सर, ठीक है जी। और देखिए, इसमें तरह तरह की एक्सरसाइज हैं, अगर फिजियोथेरेपिस्ट से आप मिल लें तो वो कुछ और एक्सरसाइज आपको बता देंगे। तो एक एक्सरसाइज ये है कि ऐसे हाथ रख के और यूँ धक्का दीजिए अपने सर को, हाथ से रोकिए और धक्का दीजिए ऐसे, ये भी एक एक्सरसाइज है। एक ये कि आप यहाँ हाथ रखिए और यूँ धक्का दीजिए, तो यहाँ गर्दन चटर चटर से बोलेगी, और इधर रखिए हाथ और ऐसे करिए तो गर्दन की डिस अपनी जगह पर आ जाती है। ऐसे दो दो मिनट, तीन तीन मिनट एक्सरसाइज करें, और कुछ ही वक्त जा रहा है, जो आपको मुकम्मल फ़ायदा हुआ चाहता है, हमारे साथ जुड़े रहिए। बहुत शुक्रिया जी। तो वीरेंद्र जी, थोड़ा सा संयम और रख लीजिएगा सर, लेकिन बड़ा मसला सा हो जाता है हकीम साहब के, लोग सोचते हैं कि हमें तो आराम जो थोड़ा थोड़ा मिल रहा है, हम और लोगों तक भी पहुंचाते हैं दवाइयाँ उन्हें पहुंचा दी जाती, उन्हें आराम है, लेकिन हमें आराम नहीं हो रहा इतना जितना सामने वाले को हो रहा है। तो इंसान यहाँ पे भी कंफ्यूज हो जाता है कि उसको तो इतना आराम पड़ रहा है लेकिन हमें क्यों नहीं पड़ रहा। तो ये तो बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है हकीम साहब, कि हम कितनी जल्दी रिकवर खुद को कर सकते हैं। नहीं, मैंने भी शैलजा ऐसे एक से ज़्यादा मरीज देखे कि उन्हें मेरे मशवरे से ज़ाती कोई फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने जितने लोगों को दवा दी जी, उन सबको फ़ायदा हुआ। और मेरा दिल चाहता था कि उनको फ़ायदा हो। अब उसमें क्या कम्युनिकेशन गैप है, या क्या समझ नहीं पा रहे हैं, या क्या किस वजह से भगवान को फ़ायदा नहीं दे रहा, लेकिन ये बात भी देखी गई है कि फ़ायदा किसी किसी को कम होता है, और उसके ज़रिए दवाएं देने से दूसरे लोगों को ज़्यादा फ़ायदा होता है जी। जल्दी से बात कर लेते हैं दिव्या जी से, स्वागत है आपका। मैम नमस्ते। नमस्ते दिव्या जी। सर नमस्ते। जय हिंद दिव्या जी। सर मेरे को ना ये प्रॉब्लम, मेरा ना मतलब तीन बार मिसकैरेज हो गया, तो फर्स्ट पहला तो मिसकैरेज मार्च में हुआ था, दूसरा नवंबर में, 3 मंथ का अबॉर्शन हो गया था, और अभी हुआ है 1 सितंबर को। बट प्रॉब्लम ये आती है कि हार्ट बीट तो आ जाती है बेबी की, अब जब सेकेंड अल्ट्रासाउंड करवाती हूँ तो हार्ट बीट चली जाती है। मेरी आवाज आपसे पहुँच रही है? जी आ रही। हाँ, तो सेकेंड अल्ट्रासाउंड में हार्ट बीट चली जाती है, और मेरे को ना हल्का सा स्पोटिंग आता है, मतलब सेकेंड अल्ट्रासाउंड से पहले पर एक दिन के लिए। एक तो ये प्रॉब्लम है, दूसरा ये है कि मेरे को ना सर्वाइकल की प्रॉब्लम रहती है, मतलब C5 C6 डिस्क बल्ज आया है, तो मैंने काफी न्यूरो डॉक्टर्स को दिखाया, तो वो कहते
कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैंने ना 10 साल पहले ब्रेसिस का भी ट्रीटमेंट करवाया था, तो उससे भी मेरे दांत के टीएमजी से रिलेटेड कोई ईएनटी से रिलेटेड कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो मतलब परमानेंट 24 आवर्स रहती है ये। दिव्या जी, उम्र कितनी आपकी? मेरी अब 40 एज है। ठीक है, ठीक है। देखिए टाइम बहुत कम है, और से मेरी बात सुनिए। हाँ जी। ये एक्सरसाइज आप रोजाना 3 मिनट करें, एक साथ नहीं कर सकें तो किस्तों में कर लें, एक ये और एक ये। देखिए पूरी तरह इसको मोड़ें, पूरी तरह ये मैं पूरा कंधे तक ले जाता हूँ, देखिए यहाँ तक, ये भी 3 मिनट किस्तों में कर लें अगर एक साथ नहीं कर सकते तो। ठीक 10वें दिन आपको इस सर्वाइकल की प्रॉब्लम अच्छी होना मुमकिन है, और प्रेगनेंसी के लिए इसबगोल की भूसी 1 चम्मच। इसबगोल की भूसी सब मेडिकल स्टोर पर मिल जाती है, इसबगोल की भूसी 1 चम्मच दूध में डालें और अपनी ज़रूरत का मीठा मिला लें, और एक आता है गौन चिलगोज़ा, ये बहुत तेज़ होता है, सिर्फ 1 चुटकी ज़रा सा इस दूध में मिलाएं और रोज़ाना 1 खुराक रात को पी लिया करें, आपको बहुत जल्द आपकी ज़रूरत पूरी हो सकती है। थायराइड की समस्या जिन लोगों को है, जो नए दर्शक आज हमारे साथ जुड़े होंगे, तो एक बेहद बढ़िया सा नुस्खा उनके लिए जानना चाहूंगी कि वो कैसे इसे जड़ से दूर कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। हाँ देखिए, धनिया 300 ग्राम धनिया जो घरों में आम तौर पर हर घर में रहता ही है, धनिया के बगैर किचन अधूरा है, 300 ग्राम धनिया, 100 ग्राम मेथी, 100 ग्राम आंवला, और इसको पाउडर बना के रखें, और नमक जैतून आता है, एक नमक जैतून 2 चुटकी 1 गिलास पानी मिलाएं, ये असली लें, ये नकली भी मिलता है, और इस पानी से ये 3 चीज़ों का पाउडर आप सुबह निहार मुँह, और ज़्यादा है तो रात को सोते वक्त भी इस पानी से, नमक जैतून के पानी से इस्तेमाल किया करें, थायराइड कंट्रोल होना मुमकिन है जी। तो देखिए थायराइड जो कि आपको इतनी बड़ी समस्या लगती है दर्शकों, हकीम साहब ने इतनी आसानी से इतना छोटा सा नुस्खा आप लोगों को बता दिया है, तभी तो मैं आपसे कहती हूँ कि जुड़िए हमारे साथ, क्योंकि हकीम साहब जो नुस्खे बताते हैं वो आपके घर में ही मौजूद हैं, बस इस्तेमाल करने का तरीका आपको जानना है। और देखिए कोई बड़े बड़े परहेज़ आपको नहीं बताए जाते हैं, आपको डॉक्टर्स के चक्कर नहीं लगाने हैं। तो जिन कॉलर्स का कॉल अभी कार्यक्रम में नहीं लग पाया है वो तुरंत हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वक्त इशारा कर रहा है कार्यक्रम को अभी यहाँ पर विराम देने का। हकीम साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, हमारे स्टूडियो में आप आए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद जी, आपका भी, आपके चैनल के मालिकों का भी धन्यवाद। तो दर्शकों मुझे भी दीजिए आज्ञा, नमस्कार।